तो आज आए हुए हैं हम लोग हुडको डैम और हुडको पार्क, और ये जो मेरे पीछे है इधर से ही रास्ता है, और मेरे बैक साइड गाड़ी पार्किंग है। यहाँ इसका पार्किंग एरिया है और उधर से उसका गेट है, और इस साइड से जाएगा टाटा मोटर्स। तो दोस्तों, हुडको डैम और हुडको पार्क जो बोला जाता है वो एक्चुअली में हुडको डैम और हुडको पार्क नाम नहीं है इसका। इसका नाम है सुमल मुंडगाडकर पासकर, और आइए दिखाते हैं इसका। तो दोस्तों, ये है सुमन मुंडगाडकर पार्क और डैम। आइए इसके अंदर घुस के दिखाते हैं। सफाई का गाड़ी अंदर घुस रहा है। वेलकम टू गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। आज आए हुए हैं हुडको पार्क। जो मेरे बैक साइड है वो हुडको पार्क का है। तो आइए उसका सीन दिखाते हैं और हम लोग ऊपर चलते हैं। हमें इस वाले रास्ते से जाना है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हुडको पार्क का रास्ता, जो जहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, और यहाँ से ऊपर जाना है हम लोग को टॉप में, और ऊपर सुमन मुंडगाडकर का स्टैचू है, चलिए वहाँ चलते हैं। इसका रास्ता काफ़ी घुमावदार है क्योंकि ये पहाड़ पे बना हुआ है इसीलिए। तो दोस्तों, हमें काफ़ी ऊपर जाना है और यहाँ पे ढेर सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इन्हें चढ़ के हम लोग को ऊपर जाना है। और ये पूरे पार्क में काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। अगर आप आओगे तो यहाँ पे हरियाली आपका मन मोह लेगा। और दोस्तों, थोड़ा देर पहले हम लोग वो वहाँ पे थे जो काफ़ी यहाँ से नीचे है, और हमें और ऊपर जाना है, उस ओर जाना है, चलिए चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ से कभी झरना गिरा करता था जो आर्टिफिशियल झरना था, परंतु अभी इसे बंद किया गया है। जब पिकनिक का मौसम आएगा तब इसे स्टार्ट किया जाएगा फिर से। चलिए ऊपर चलते हैं।
तो दोस्तों ये है सुमन मूलगाडकर का स्टैचू, जो इस पार्क के संस्थापक भी है। और दोस्तों आइए इसके ऊपर से जगह का नज़ारा दिखाते हैं। और ये है हमारा टाटा मोटर्स का एरिया, जिसमें कमिंस है, टाटा मोटर्स है और टेलकॉन, तीनों है, जो ऊपर से सिर्फ अभी कमिंस का हिस्सा दिख रहा है। और ये रहा रास्ता जहां से हम लोग ऊपर आए हैं। और दोस्तों हुडको पार्क का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। किसी समय यहाँ पे जू बनने का प्लानिंग था टाटा मोटर्स की ओर से, पर अब पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं मालूम, देखते हैं। जब बनेगा तो उसका भी सैर कराया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से था हुडको पार्क का ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।